हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ सिस्टर न्यू दीता यूनिवर्सिटी के बारे में कि सोचे एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्टार्ट हो चुका है अलग अलग कोर्सेज के लिए, तो आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से फिल करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आए तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाए। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि फायरफॉक्स, मोज़िला या फिर ईज। देन आपको उसमें टाइप करना है सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी 2023 एस पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ से आपको सिस्टर निवेदिता से रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। देन यहाँ पे दिया गया सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी एडमिशन 2023, एप्लीकेशन स्टार्टेड डेट्स, एलिजिबिलिटी पैटर्न एंड सिलेबस। देन यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म आएगा जिसमें आपको अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाई क्वालिफिकेशन। देन आपको गेट फ्री काउंसलिंग में क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा, आपके ईमेल आईडी एंड आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको इस यूनिवर्सिटी से सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। देन यहाँ पर नोटिफिकेशन आया, सोचा एप्लीकेशन फॉर्म है स्टार्ट हो चुका है, क्लिक करो चेक द एप्लीकेशन डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे एंड देन आप नोट ऐप में ओपन हो जाएंगे। देन यहाँ पे इस आर्टिकल्स में जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में दिया रहता है। देन यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे, देन आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर यहाँ पे इंटरेस्टेड फॉर एडमिशन इन एंड देन यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करके आपको अप्लाई नाम पर क्लिक करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, उसके बाद हम आपको आगे की प्रोसेस बताएंगे। देन रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे आपके मोबाइल पे एक वेरीफाई आएगा, देन आपको उस OTP को टाइप करना होगा। देन यहाँ पे फिर एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना होगा, देन आप नोट ऐप में ओपन हो जाएंगे। देन यहाँ पे आपको अपना फुल नेम डालना है, फिर गार्जियन का नेम, एड्रेस, स्टेट, फिर यहाँ पे सिटी, पिन कोड, सेंडर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी एंड लास्ट स्कूल अटेंडेड। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो चलिए पहले हम आपको सारा इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। देन आपको सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको जो है यहाँ पे अपना 10th का इन्फॉर्मेशन देना है, जिसमें आपको अपना नेम डालना है, 10th का बोर्ड डालना है एंड देन परसेंटेज कितना आया था आपको वो बताना रहेगा। फिर आपको 12th का भी इन्फॉर्मेशन देना है एंड देन ग्रेजुएशन का इन्फॉर्मेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का, एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो चलिए पहले हम यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, उसके बाद हम आपको आगे की प्रोसेस बताएंगे। देन अब यहाँ पे आपको अपना इंक्वायरी डिटेल्स डालनी है, जिसमें आपको अपना एनुअल इनकम बतानी रहेगी एंड उसके बाद यहाँ पे परमानेंट पेमेंट मोड डालना रहेगा, हॉस्टल फैसिलिटीज डिपार्टमेंट। देन यहाँ पे कोर्स, देन हाउ डू यू कम टू अबाउट अस, मतलब आपको SNU से किस तरह से मतलब पता चला था आपको वो बताना है एंड देन यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप बताना है, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट प्रोसेस में आपको अपने एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। सो इस तरह से आपको अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।